हेलो गाइस, तो आज हम अपने पियाजे की थ्योरी को कंप्लीट करेंगे जो हमारे सीटेट और केवीएस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो हम पियाजे को देखेंगे, पियाजे ने कैसे कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। तो इन्होंने देखो कि बच्चे अपनी जो प्ले है उसको कैसे खेल रहे, अपनी उनका डेवलपमेंट कोग्निशनली कैसे होता है। ठीक है, तो अपने स्लाइड को हम आगे बढ़ाते हैं। जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो पियाजे ने दी है, उन्होंने कहा है थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी अबाउट द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो कोग्निटिव होता है बेसिकली हमारे मेंटल, जो मेंटल एबिलिटी होती है उससे रिलेटेड होता है। कि जैसे कहते हैं ना कि जब क्लास में जाते हैं तो बच्चे का कोग्निशन, कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे, मतलब उसका मेंटल लेवल कैसा है। ठीक है, तो जो कोग्निटिव डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट से, या उसके जो इन्होंने कहा ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है अबाउट द नेचर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन डेवलपमेंट के जो इंटेलिजेंस है उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है। जो इंटेलिजेंस है वो रिलेटेड है मेंटल से, तो मेंटल से जब इंटेलिजेंस रिलेटेड है तो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफकोर्स मेंटल से रिलेटेड होगी। सो इन्होंने जो पियाजे हैं इन्होंने डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस दी हैं, तो हम अपनी स्लाइड में आगे उन्हीं का डिस्कस करते हैं। कोग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, ये है इनकी थ्योरी। इट डील्स विद द नेचर ऑफ नॉलेज इटसेल्फ एंड हाउ ह्यूमंस कम ग्रेजुअली टू एक्वायर इट, कंस्ट्रक्ट इट एंड यूज इट। ठीक है, जो पियाजे थे इन्होंने थ्योरीज के बारे में कहा है कि जो हमारा कोग्निशन है वो थ्योरी को या नॉलेज को कैसे गेन करता है, उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करता है, कैसे उसको एडजस्ट करता है अपने माइंड में और कैसे उसको यूज़ करता है बेसिकली। ठीक है, जब इन्होंने कहा है कि जब इन्होंने जब उसके जो डेवलपमेंट की बच्चों की फोर स्टेजेस दी है SPCF, उन्होंने उसमें एज वाइज इन्होंने बच्चों के मेंटल लेवल को डिफाइन किया है। तो उसमें इन्होंने बच्चों को खुद ही, जब बच्चा खुद ही कंस्ट्रक्ट कर रहा है, रेडिकल कंस्ट्रक्टर बोला है, एक साइंटिस्ट बोला उन्होंने बच्चे को, बच्चा खुद ही चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करेगा और अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेगा। ठीक है, और उसको खुद ही अप्लाई करेगा किस सिचुएशन में, कैसा उन्हें बिहेव करना है उसके रिलेटेड। तो देखो ये हमारी कौन है, पियाजे जी है। ठीक है, तो हम बढ़ते आगे। इनका आप ध्यान रखेंगे, इनकी जो चेहरा है इनको मत भूलिएगा क्योंकि ये सीटेट में काफ़ी आपको देखने का मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम। नेचर ऑफ इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू पियाजे, जो इंटेलिजेंस का नेचर है पियाजे के अकॉर्डिंग क्या है, हम इसको देखेंगे। फर्स्ट है, रियलिटी इज डायनेमिक सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस चेंज। डायनेमिक सिस्टम जो बदलता रहता है, रियलिटी इज डायनेमिक सिस्टम ऑफ कंटिन्यूस चेंज, समझ रहे हो। एंड सेकेंड है, ही आर्ग्यूड दैट रियलिटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, ट्रांसफॉर्मेशन रेफर टू ऑल मैनर्स ऑफ चेंज दैट थिंग्स और पर्सन्स कैन अंडरगो। स्टेट रेफर टू द कंडीशन और अपीयरेंस ऑफ द थिंग्स ऑफ अ पर्सन कैन बी फाउंड बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेटमेंट है इसको ध्यान से पढ़िए। ही आर्ग्यूड दैट, उन्होंने कहा कि रियलिटी इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेज, मतलब इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज, इन्होंने इसी को बेस बनाते हुए अपने जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है उन्हें भी इसने डिस्कस किया कि जो मतलब बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। ठीक है, पर्सन कैन अंडरगो, स्टेट रेफर टू द कंडीशंस और अपीयरेंस इन विच थिंग्स और पर्सन कैन बी फाउंड बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन। इन्होंने इन बिटवीन जो ट्रांजिशन स्टेट होता है ना नॉलेज, आप किसी सेंसरी स्टेज में हो मानो, तो आप उसमें जाओगे प्री ऑपरेशनल में, तो उसके चेंज में जो आपकी चेंज हो रहा है ना वो कंटिन्यूस चेंज है, डायनेमिक चेंज है, समझ रहे हो ना। तो इन्होंने जो इंटेलिजेंस है वो टू तरह का दिया है, टू टाइप्स का दिया है। ये हुआ ऑपरेटिव इंटेलिजेंस एंड फिगरेटिव इंटेलिजेंस। ये इन्होंने जो हमारे सीटेट के लिए कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। ये इनकी ऑपरेटिव इंटेलिजेंस और फिगरेटिव इंटेलिजेंस की इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है। ऑपरेटिव में इन्होंने बेसिकली कहा है कि इन्वॉल्व ऑल एक्शंस ओवर्ट और कन्वर्ट अंडरटेकन इन ऑर्डर टू फॉलो रिकवर और एंटीसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पर्सन ऑफ इंटरेस्ट।
कि ऑपरेटिव तुम मतलब अपना जो मेंटल इंटेलिजेंस उसको कैसे ऑपरेट कर रहे हो, किसको मतलब इन्वॉल्व ऑल एक्शन, हम कैसे खुद की बॉडी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, कैसे दूसरे का जवाब दे रहे हैं, वो सब ऑपरेटिव इंटेलिजेंस में आता है। फिगरेटिव इंटेलिजेंस में आता है इज अ मोर और लेस स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक मतलब ज़्यादा या कम, एक स्टैटिक वो है कि कुछ ही समय या बहुत ज़्यादा समय तक रह सकता है। इंटेलिजेंस ऑल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज टू रिटेन ऑफ माइंड्स ऑफ स्टेट, जैसे जो फिगरेटिव होते हैं कि अगर आपको कहीं जाना है, जैसे आपको सपोज करो आपको मार्केट जाना है, कुछ लेने जाना है, आपने तब तक उसे ध्यान में रखा, चलो हाँ मुझे लेके जाना, लिया फटाफट से, मतलब वो ज़्यादा रिटेन नहीं रहता आपकी माइंड में। या आपको कोई लोकेशन दी है कि आपको यहाँ जाना है, कार ड्राइवर होते हैं उनको पता नहीं रोज़ कितनी जगह जाना होता है, ये तो यानी कि उसको रिटेन ही करके रखेंगे, गए अपना काम पता होगा रिटेन भागो वहाँ से, समझ गए ना। तो प्याजे बिलीव्ड, सेकंड जो हमारी स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड, प्याजे बिलीव्ड दैट प्रोसेस ऑफ अंडरगोइंग एंड चेंज इन्वॉल्व टू बेसिक फंक्शन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जो बेसिकली प्याजे ने कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी जो हम नॉलेज को गेन करते हैं वो बेसिकली दो प्रोसेस में बहुत महत्वपूर्ण है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में हम बेसिकली कह सकते हैं कि जब हम सपोज एक मैन है, उसने थोड़ी देर के लिए प्लीज, तो हम कंटिन्यू करते हैं। प्याजे बिलीव्ड दैट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंज इन्वॉल्व टू बेसिक फंक्शन। अगर एक चेंज का प्रोसेस है उसमें दो फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं, एसिमिलेशन होता है कि जब जैसा आप समझो कि आप एक मैन हो, एक ब्लैंक हो, आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली और उसको एसिमिलेट कर लिया, मतलब बिना किसी चेंजेस के, बिना किसी उसमें मॉडिफिकेशन के आपने उसको चेंज कर लिया, आपने उसको अपने स्कीमा में फिट कर लिया। स्कीमा होते बेसिकली एक रूम बने होते हैं इन्फॉर्मेशन को मतलब पैक करने के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन आई और आपने उसको पैक कर लिया फटाफट से, आपने उसको एसिमिलेट कर लिया अपने प्री एग्जिस्टिंग जो आपकी नॉलेज थी उसमें। लेकिन जो एकोमोडेशन होता है, एकोमोडेशन जो अनलाइक एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग वंस एनवायरमेंट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन एंड अल्टरिंग वंस प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज इन ऑर्डर टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। समझ रहे हो यहाँ पे आपको क्या करना होगा इसमें, आप जैसे एकोमोडेट कर रहे हो उसको, आपको आपका मान लो ये एक स्कीमा बना हुआ है, स्कीमा कुछ रूम तरह के होते हैं, आपको उस इन्फॉर्मेशन को सेट करने के लिए एक नया स्कीमा उसमें डेवलप करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक बेबी है, उसने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि उसको किसी ने बताया कि जो आसमान में उड़ते बर्ड्स होती है, ठीक है, आसमान में क्या उड़ रही है, बर्ड्स। लेकिन सब अगले दिन उसने देखा कि एक एरोप्लेन जा रहा था, ऐसे एक एरोप्लेन जा रहा है, तो नेक्स्ट डे उसने किसी से कहा देखो बर्ड जा रही है, तो आप उसे बोलेंगे बर्ड नहीं ये एरोप्लेन जा रहा है, तो बच्चा कन्फ्यूज होगा कि यार अब कल तो इन्होंने बर्ड बोला था आज एरोप्लेन बोल रहे थे, तो अब बच्चा कन्फ्यूज़ रहेगा। तो उसने अब पहली स्टेज में क्या था, बर्ड को उसने एसिमिलेट कर लिया, हाँ बर्ड है, सोच लिया, समझ लिया कि उड़ती है, ऐसे ऐसे करती है, बात कर। उसके बाद एकोमोडेशन, जब आपने उसे बोला कि जब एरोप्लेन गया था आपने उसे बोला कि ये एरोप्लेन है, तो उसे लगा कि यार मतलब उल्लू बना रहे यहाँ भी फालतू में, तो करेगा कि मतलब समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे बर्ड बोल रहे हो एरोप्लेन बोल रहे हो क्या डिफरेंस है, तो आप उसके कुछ उसको डिफरेंस बताएंगे कि ये लिविंग है नॉन लिविंग है, ऐसे ऐसे करके कुछ समझाएंगे, तो अब वो क्या करेगा उसमें नया स्कीमा फॉर्म करेगा अपने माइंड में, ठीक है, एक नया स्कीमा फॉर्म होगा बर्ड के और एरोप्लेन के उसमें डिफरेंस में, समझ गया ना, उसने चीज़ों को एकोमोडेट किया। प्याजे की थ्योरी है, देखो प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उनके कुछ की कॉन्सेप्ट है, स्कीमा, एसिमिलेशन में समझ लिया, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रियम। स्कीमाज हमने बता दिया कि कुछ इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रूम्स होते हैं, एक मतलब लोकर टाइप होते हैं, एसिमिलेशन हमें इन्फॉर्मेशन को आत्मसात कर लिया, एकोमोडेट हमने उसमें कुछ डिफरेंस किया, नया स्कीमा फॉर्म किया, तब हमने उसको समझा और उसको अडेप्ट कर लिया, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आते कि जो तुमने इन्फॉर्मेशन स्टोर की है
वो तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग जो तुम्हारा खुद का कॉग्निशन है या जो प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन है उसके साथ इक्विलिब्रियम में हो, समझ रहे हो। जैसे समझो कि तुमने कुछ एक स्टोरी बनाई या कुछ अपने बच्चों को एयरप्लेन वाला एग्जांपल लेते हैं तो कि जो बच्चे ने समझा उसके लिए वो मतलब उसमें माइंड में उसमें कुछ इक्विलिब्रियम है कि हाँ चलो ये उस तरह से उड़ता है जिस तरह से बर्ड उड़ती है, मतलब दोनों का फंक्शनिंग सेम होती है, कुछ ऐसे करके बच्चा अपने माइंड में कुछ कुछ चीज़ें बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। फोर स्टेजेज इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीडेट में गए तो प्याजे को तो कम कोई भूल के मत जाना, 3 से 4 क्वेश्चन लगातार मिल जाते लगातार स्टेजेज से। स्टेजेज के तुम्हें फंक्शन दे देगा कि बच्चा ये काम कर रहा है तो ये कौन से स्टेज से रिलेटेड होगा, समझे। तो इसमें इन्होंने 4 स्टेज दिए, इसको स्टेज करने की मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ। इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेंसरी स्टेज, द सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। थर्ड है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब मैं आपको इनका एज का और इनकी स्टेज का नाम करने के तरीके बताता हूँ। आप सबसे पहले लिखिए S, P, C and F। ठीक है, S इज सेंसरी मोटर स्टेज, P इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, C इज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, F इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, ये स्टेजेस हो गए। तो अब इसका हम जो एज ग्रुप है इसका हम जान लेंगे। 0 to 2 ईयर जो प्री ऑपरेशनल है इसका होगा 2 to 7 ईयर। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है जिसमें बच्चा कंक्रीट मतलब रियल ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा महत्वता देता है इसमें होगा 7 to 11 ईयर। और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है इसमें आएगा 11 to above। ठीक है, या समझ गए आप। तो इसका मैं SPCF अपने अभी समझा, SPCF समझ गए, ये आपकी स्टेजेज हो जाएंगी। अब आप हम इनके बारे में अलग अलग जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चा अगर अपनी आंखों से देख के कुछ समझ रहा है चीज़ों को या लाइट आ रही है कहीं से लाइट की तरफ ही जा रहा है तो कौन सी स्टेज से रिलेटेड होगा, तो बच्चे ने आंख से यूज किया तो सेंसरी मोटर स्टेज होगा। समझिए, तो हम इनकी कुछ समझ लेते हैं। जैसे इन दिया सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 ईयर। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इन्होंने दिया है ये कहाँ से कहाँ तक है, 2 to 7 ईयर। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है 7 to 11 ईयर। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है वो है अडल्टहुड जो बेसिकली होते हैं 11 to above फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, देखो इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग बच्चा अलग अलग वे में बिहेव करेगा, समझ रहे हो। कि अब अगर वो 2 से 2 ईयर से बिलो है तो अपनी सेंसेस से ग्रास्पिंग सकिंग इसके स्कीमाज होगी बेसिकली जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज होते हैं कि वो उसमें मतलब नेचुरली होते बच्चा रोएगा, रोने का जो उसने स्कीमाज होता है रोएगा उसकी किसने रोना थोड़ी सी है तो खुद से रोना शुरू कर देता है वो उसका प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा होता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड पे। द स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज, अगर सेंसरी मोटर स्टेज है तो उसके क्या क्या हमें पता चल सकता है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज का बच्चा है। फर्स्ट जो पॉइंट है अकर्स फ्रॉम बर्थ टू अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर ओल्ड। जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ये होती है 0 to 2 ईयर्स। इन्होंने एज ग्रुप बताया पहली पॉइंट में जो इनका पहला बुलेट पॉइंट था। सेकंड में द चाइल्ड ट्राई टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड ड्यूरिंग द स्टेज एंड एज द नेम सजेस्ट ओनली सेंस एंड मोटर एबिलिटीज आर यूज टू डू। सेंसरी मोटर स्टेज में आपने देखा सेंस री मोटर, सेंस है सेंस ऑर्गन एंड मोटर मतलब हमारी हाथ पैर ये सब कुछ इसमें यूज होगा सेंसरी मोटर। इसमें ओनली बच्चा सेंस और अपने हाथ पैर का यूज करेगा इस स्टेज में। अगर बच्चा रोना शुरू करता है मतलब हाथ से भी चिल्लाएगा पैर से भी चिल्लाएगा, हाथ पैर फेंक के मारता है ना हिलाता रहता है और आंखों से भी चिल्लाएगा मतलब उसमें उसकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व रहती है। ठीक है, तो इसमें बच्चे जैसे अपने वो करेगा आपने उसको किया कि उसको कहीं से छुपा के उसको लाइट दिखाई तो लाइट की तरफ भाग के आएगा, समझ रहे हो।
आपने उसको हाथ या कुछ ठंडा बर्फ़ लगाया हुआ हटाने की कोशिश करेगा तो उसमें बच्चा सेंस यूज़ कर रहा है अपने, ठीक, तो उसमें बच्चा सेंस ऑर्गन, सेंस जो हमारे ऑर्गन है उनसे ज़्यादा सीखता है, ठीक है। इसका एज ग्रुप कितना है, 0 to 2 ईयर, 0 to 2 ईयर, समझे। इनका एज ग्रुप याद रखना, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है। अब बढ़ते हैं हम सेकंड जो स्टेज, इसमें देखिए चाइल्ड क्या कर रहा है। द चाइल्ड यूटिलाइज इनिटेड बिहेवियर टू एनहेंस द लर्निंग प्रोसेस सच एज सकिंग, लुकिंग, ग्रास्पिंग, क्राइंग एंड लिसनिंग। अभी बच्चा देखिए सकिंग, ग्रास्पिंग, मतलब वो उनके प्री एग्जिस्टिंग स्कीमाज होते हैं, बिफोर बर्थ होते हो, है ना। अगर अब बच्चा आएगा वो रोता हुआ था, उसको पेट में कितने रोना सिखा दिया, वो उसका प्री एग्जिस्टिंग नेचुरली उसका स्कीमा बना हुआ था, ठीक है। लुकिंग, अगर आप कहीं से उसको छुप के देख रहे हो तो आपने थोड़ा सा उसको चेहरा दिखाया, वो क्या है उधर उस साइड में, तो मतलब वो अपनी आइज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। सकिंग, किसी भी चीज़ को उसने उठाया और उसको मतलब मुँह में डालना शुरू कर देता है। ग्रास्पिंग, यहाँ पे देखिए ये अपने एल्डर की, अपने पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चल रहा है। क्राइंग, उसका रोना, लिसना, ये सब उसका जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है ना, और उसमें उसका मोटर भी जो मतलब मोटर एबिलिटी होती है वो भी इन्वॉल्व रहती है काफ़ी हद तक, ठीक है। तो हम इसमें बढ़ते हैं जो इसकी सब स्टेजेज हैं, इसमें बढ़ते हैं। रिफ्लेक्स, 0 to 1 month, प्राइमरी सर्कुलर एक्शन इसके 1 to 4 month में दिखने शुरू होंगे। सेकेंडरी जो इसका वो है सर्कुलर रिएक्शन, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर कोऑर्डिनेशन 8 to 12 months, टर्टियरी सर्कुलर रिफ्लेक्शन 12 to 18 months। इसकी कुछ सब स्टेजेज है, इतना ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन इन चिल्ड्रन, अब बेटा तुम उसको पागल नहीं बना सकते इस एज में आके, जो इस एज की जो लास्ट होती है मतलब 2 ईयर्स के आसपास, अब आप उसको पागल नहीं बना सकते। कहेंगे कि आपने उसको कुछ टॉय दिया, ये बच्चा है, ठीक है, आपने इसको कुछ टॉय दिया, अब आपको लगा कि चलो ये थोड़ा बहुत हार्मफुल हो सकता है, अब इसे छीन लेता हूँ मैं। आपने उसको छीन के ना अपनी बैग के पीछे छुपा लिया कि बेटा वो तो गायब हो गया, उसको तो कबूतर ले गया, उसको कुछ ले गया, उसको भूत ले गया, ऐसे कुछ आपने उसको बताया। अब वो पागल नहीं बनेगा, उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है, समझ रहे हो। अगर आपने उसको उठा के दूसरे हाथ में रख लिया कि देखो मेरा हाथ खाली है, अब वो पागल नहीं बनने वाला तुमसे, अब वो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गई है, ऑब्जेक्ट को समझ लेगा कि अच्छा छुपा रहे मुझसे। तो इस स्टेज के लास्ट तक बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का सीन क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस इन विच ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इवन वैन आउट ऑफ साइट, अब उसे दिख नहीं रहा लेकिन उसे पता है कि तुमने छुपा के रखा उससे, समझ गए। तो नेक्स्ट में बढ़ते, देखो यहाँ पे कुछ इसका उल्लू बना रहे हैं लेकिन ये बनने वाला नहीं है। देखो यहाँ पे इसके सामने ये रखा है टॉय, अब इन्होंने इसके सामने एक पेपर लगा दिया कि है ही नहीं टॉय। अब भाई बच्चा समझदार हो गया वैसे थोड़ी ना, अब देखिए इसने बॉल है, बॉल उसे छीन के इधर रख ली, ये तुम हट के देखो यहाँ से छुला दोबारा उठा लेगा। देखो कहाँ गई, कहाँ गई बॉल, देखो कहाँ गई, लेकिन अभी तुम यहाँ से जाके देखो बॉल को उठा के दोबारा खेलना शुरू करेगा ये, समझ गए। तो अब बच्चे में किस चीज़ का सीन बन गया, अब बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का सीन आ गया कि तुम अगर उससे टॉय छीन रहे हो या कुछ का चीज़ छीन रहे हो, अब वो पता लगा लेगा देखो चीज़ तो एग्जिस्ट करती है कहीं ना कहीं, वो छुपा के रखी है कहीं और रखी है, चीज़ तो है, ठीक है। डिफर्ड इमिटेशन, डिफर्ड इमिटेशन से जो सेंसरी मोटर स्टेज का जो लास्ट स्टेज है मतलब लास्ट में जो इस चीज़ का होता है डिफर्ड इमिटेशन, अगर बच्चों को आप कहेंगे ऐसे उसके सामने क्लैप करोगे तो वो भी क्लैप करेगा, उसके तरफ मुंह मतलब अलग अलग से फेस बनाओगे तो वो भी बनाएगा, मतलब समझदार हो गया आपका। डिफर्ड इमिटेशन इज सिंपली द इमिटेशन ऑफ बिहेवियर द चाइल्ड हैज़ बीन बिफोर, अब क्लैपिंग कर रहे हो, आप क्लैपिंग कर रहे हो है ना, तो देखो यहाँ भी क्लैपिंग चल रही है, समझ रहे हो। ऐसा अब तुम बच्चे के सामने जबान निकालोगे तो बच्चा तुम्हें छोड़ छोड़ देगा, देखो ज़बरदस्त निकाल लिया बंदे ने निकालो अभी देखो, अब नीचे तुमने मुंह खोलो अपना, मुंह खोलोगे तो मतलब बच्चा यार अब समझदार है ऐसी थोड़ी ना, इस सस्ते में निपट जाएगा। देखो मुंह खोल के दिखाया तुम्हें, मतलब उल्टा रिएक्शन देगा तुम्हें, डिफर्ड इमिटेशन करेगा। अब सेकंड स्टेज पर आ जाते हैं हम, जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो टाइम ड्यूरेशन है वो क्या है, हमारा 0 to 2 कंप्लीट हो गया सेंसरी मोटर स्टेज है ना, अब आ गया प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब प्री ऑपरेशनल में मतलब प्री ऑपरेशनल कुछ करने से पहले, उससे पहले सोच लेगा मतलब दिमाग चलाएगा अपना, समझ रहे हो। ये होगा 2 to 7 ईयर, समझ रहे हो, प्री ऑपरेशनल होगा 2 to 7 ईयर।
इसमें देखो प्री मतलब ऑपरेशनरी थॉट्स इज एनी प्रोसीजर फॉर मेंटली एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स। अगर आप प्री ऑपरेशनल थॉट में अगर कुछ कर रहे हो तो बच्चा मेंटली पहले उसको सोचेगा कि भाई मेरे फायदे की चीज़ें नहीं है, तभी करूँगा मैं। द हॉलमार्क ऑफ द प्री ऑपरेशनल स्टेज इज स्प्रेड एंड लॉजिकली इनएडिक्वेट एंड मेंटल ऑपरेशन। अब बच्चा मतलब खुद उसमें अपना लॉजिक लगाएगा और अपने मेंटल ऑपरेशन उसमें फटाफट लगाएगा कि अच्छा मेरा कुछ फ़ायदा होगा तो करूँगा और ना जाने तो मैं क्यों करूँगा इसे। तो सेकंड है जो सेकंड स्टेज प्री ऑपरेशनल स्टेज की कुछ सब स्टेज है यहाँ पे, द सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज एंड द इंट्यूटिव थॉट स्टेज। ये दो स्टेज की सब स्टेज है, कुछ इतना फकास में पूछते नहीं लेकिन हम इसके पढ़ लेते हैं। सिंबॉलिक ईगो मतलब सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज, ईगो सेंट्रिज्म। इस स्टेज में बच्चे में ईगो सेंट्रिज्म रहता कि अच्छा ईगो सेंट्रिज्म उसे अपना ही पर्सन लगता है, जो वो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा था ना उसको घोड़े ही सही लगता है कि मतलब मेरा परसेप्शन सही है। अब वो दूसरे का परसेप्शन समझने के लिए भी काबिल नहीं हुआ है, मतलब अभी उसमें इतना कॉग्निशन डेवलपमेंट उसका अभी इतना नहीं हुआ कि वो दूसरे का परसेप्शन समझ पाए। सुन रहे हो, ईगो सेंट्रिज्म बेसिकली इसे कहते हैं, अकर्स व्हेन द चाइल्ड इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देयर ओन परसेप्टिव एंड अदर्स पर्सन परसेप्टिव। अपने परसेप्टिव में और दूसरों के परसेप्टिव में डिफरेंस करने के लिए अभी एबल ना हो, है ना, अनेबल हो। सेकंड है, द चिल्ड्रन टेंड टू पुट देयर ओन व्यूज ऑफ व्हाट दे सी रादर देन द एक्चुअल व्यूज शोज ऑफ अदर। बच्चे ने जो देखा वो सच है, दूसरों ने क्या देखा उसे मैटर नहीं करता, समझ रहे हो। थर्ड एग्जाम्पल है, एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस बाय प्याजे एंड वेरबल इन हिल्डर, थ्री व्यूज ऑफ माउंटेन शो इन द चाइल्ड एंड आस्क्ड व्हाट आर ट्रेवलिंग डॉल्स, वुड सी द रिग्रेस एंगल्स द चाइल्ड पिक देयर ऑन कंपेयर टू द एक्चुअल व्यू ऑफ डॉल्स। अब एक उन्होंने माउंटेन व्यू दिखाया भाई प्याजे, उसमें कुछ अपना अलग ही परसेप्शन लगा रहे थे लेकिन बच्चे ना अलग ही लेवल पर खेल रहे थे। अभी देखिए ये इनका क्या है, एक सिंबॉलिक इन्होंने एक माउंटेन व्यू बनाया है, देखो ये ऊपर से उनका टॉप व्यू है, टॉप व्यू। अब बच्चे भाई इसको तो डोल समझ के बैठ गए, ये तो प्याजे जी का व्यू है कि ऐसे ऐसे चल रहा है, लेकिन बच्चे अपना व्यू अपना खेल ले, प्याजे जाए कहीं भी, समझ रहे। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था प्याजे ने, उन्होंने देखा कि बच्चा जो है अपने परसेप्शन को ज़्यादा अहमियत देखा है, एक्चुअल में क्या है उसे मैटर नहीं करता, जो उसने सोचा है जो उसने समझा वो उसके लिए मैटर है, ठीक है। अभी अब बच्चे में इतनी समझ हो जाएगी कंजर्वेशन की, बेसिकली हम इसके ऐसे कंजर्वेशन की समझ हो जाएगी। अगर आपने उसको एक गिलास दो गिलास है, अगर दो फ्रेंड है, ये मैं समझा देता हूँ अच्छे से, ये दो फ्रेंड है, आपने दोनों को ये देने की आपने कुछ सलाह बनाई कि दोनों को एक गिलास में देता हूँ, सेम लेवल पर सेम गिलास है, बच्चे ले लेंगे। अगर आपने उनको थोड़ा समझाने की कोशिश की तो कि आप मैं लंबी ट्यूब में दे देता हूँ ये कि इसमें डालूंगा, तो बच्चा अब लड़ेगा ही नहीं बिल्कुल भी, समझ लो। ये इस ट्यूब में आएगा कि अच्छा कंजर्वेशन है, यही वाला पानी तो है जो इसमें डाले, यही वाला पानी तो है, इसमें कौन सी तुमने बड़ी बात कर दी, तो बच्चा अब समझने लगे चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम ड्यूरेशन है, इट अकर्स बिटवीन स्टेज एज ऑफ 7 to 11 ईयर। कंक्रीट से हमें पता चला था कि हम कोई चीज़ों को टच एंड फील वाली चीज़ होगी इसमें, ठीक है, हम कुछ समझ सकेंगे, कंक्रीट हो कि हम उसको देख रहे हैं। तो इसका एज ग्रुप है 7 to 11 ईयर्स, ठीक है। इसका सेकंड पॉइंट हम पढ़ते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय द एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लॉजिक। उसमें हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे, कुछ एप्रोप्रिएट लॉजिक लगाएंगे, है ना। और इसका थर्ड है, ड्यूरिंग द स्टेज चाइल्ड्स थॉट प्रोसेस बिकम मोर मैच्योर एंड अडल्ट लाइक। इसमें बच्चे ना ज़्यादा मतलब मैच्योर हो जाते हैं और उनका जो थॉट होता है वो अडल्ट के जैसे हो जाते हैं, मतलब अडल्ट जैसा सोचते हैं वो भी ऐसे सोच, मतलब जो उनका एक रोल मॉडल बन जाता है ना वो अडल्ट बन जाता है, वो अडल्ट की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है, उनका थोड़ा मेंटल लेवल काफ़ी सुधर जाता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अभी मैंने जो जैसे ऊपर दिखा ना कंजर्वेशन, भाई उनको ग्लास में दो तुम उसमें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको डिसेंटरिंग, रिवर्सिबिलिटी, सीरिएशन, ट्रांजिटिविटी, क्लासिफिकेशन। अब बच्चे में इतना मतलब एक उनका कंक्रीटिवली उनका एक माइंड इतना डेवलप हो चुका है, कंजर्वेशन भाई तुमने ग्लास में दो या उनको एक
मतलब लंबी सी ट्यूब में दो, उनको एक कंजर्वेशन की जो मेंटल उनका कॉन्सेप्ट बन चुका है कि चीज़ें कंजर्व रहेगी, कि तुम उसको ग्लास में दे दो तो मतलब वो डिफरेंस नहीं करता कि तुमने उसका वॉल्यूम का शेप चेंज कर दिया तो उसका जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, वो कम ही नहीं होगा। बच्चों में अब समझ बन चुकी है इस एज में, इस एज में 7 to 11, 7 to 11 वाली एज में बच्चे में समझ पैदा हो चुकी है। अब उसको सीरियस है ना, अगर आप उसको कुछ ब्लॉक्स दो उन पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, अब वो सीरीज़ में लगा लेगा उनको, मतलब उनके साइज़ और उनको उनका वॉल्यूम या उनकी सीरीज़ को देख के उनको सीरीज़ में लगाने की कैपेबिलिटी उसके अंदर अभी होगी। और क्लासिफिकेशन उसको अलग अलग तरह के मतलब बोल दे दो, एक ग्रुप में बना के एक उसमें बकेटों भर के, और एक उसको क्लासीफाई करने के लिए बोलो, तो कलर के उनके आधार पे या उनके साइज़ के आधार पे उनके वॉल्यूम के आधार पे उनको क्लासीफाई कर देगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इस्ट जो हमारी लास्ट स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो होता है वो 11 to above एज ग्रुप होता है इसका, बेसिकली अडल्टहुड ही हो जाता है। इंडिविजुअल मूव बियॉन्ड कंक्रीट एक्सपीरियंस, जो उसके कंक्रीट एक्सपीरियंस होते हैं उनसे भी कहीं आगे चले जाता हो, एंड बिगिन टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, मतलब जो चीज़ उसके सामने एग्जिस्ट भी नहीं करती वो उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देता है। रीजन लॉजिकली एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल, जो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बारे में सोचेगा, लॉजिक लगाएगा और उस पर अपना परसेप्टिव या उसका कंक्लूजन निकालेगा। एज वेल एज ऑल दीज प्रोसेस ऑफ हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। सो ये जो काफ़ी इसके हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा जो भी उसके सामने टास्क है। एडोलसेंट्स बिगन टू थिंक मोर एज साइंटिस्ट एंड प्लान टू डाइवर्स एंड प्लान टू सॉल्व प्रॉब्लम सिस्टमेटिकली टेस्टिंग। इसमें बच्चे अपने मतलब ट्रायल एरर मेथड और साइंटिस्ट बनने की कोशिश करेगा, उसको सिस्टमेटिकली यूज़ करेगा। ठीक है, सो आज के लिए लास्ट था, थैंक्स फॉर वॉचिंग।